है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आया हूँ एक नए पार्क में जो हमारे सिटी में अभी अभी बना है, और मेरे फ्रेंड के फ़ोन आ रहे थे जो बाहर रहते हैं, और वो पूछ रहे थे कि ये कहाँ पे बना है, देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है, बट मेरे पास टाइम ही नहीं था, मैं थोड़ा बिजी था तो मैं आ ही नहीं पाया था। तो फाइनली आज मैं आया हूँ और आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ ये कैसा बना है और क्या है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इसका नाम, ये है राजीव सरोवर नगर पंचायत पाटन। मैं पाटन सिटी से हूँ और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हमारे माननीय श्री भूपेश कश्यप जी जो कि हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष है वो हैं। ये है हमारा गेट, हमारा मतलब इस पार्क का गेट, और मैं एंट्री लेता हूँ और आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कंप्लीट, काफ़ी बड़े रूप में इसे बनाया गया है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये लाइट्स वगैरह काफ़ी अच्छे से यहाँ पर लगाए गए हैं। सामने यहाँ पर दो आप लोग को क्वार्टर देखने को मिल जाएंगे, क्वार्टर नहीं बोलना चाहिए, दो छोटे छोटे रूम हैं, सॉरी दो यहाँ पे भी है, दो यहाँ पे भी है, टोटल चार हैं। और ये है हमारा सरोवर यानी कि तालाब। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वच्छता स्वयं की जिम्मेदारी है, इस बात में कायम रहना चाहिए। और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वो वहाँ पे एक छोटा सा टापू जैसा भी है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखिए काफ़ी छोटा सा है लेकिन देखने में ये भी काफ़ी सही लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से सनलाइट काफ़ी हार्स है। और मैं आप लोग को और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, गर्मी आ चुकी है तो यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है प्रॉपर कि पौधों को और जो छोटे छोटे घास हैं उनको पानी मिलते रहे, उसके लिए कुछ ऐसा सिस्टम लगाया गया है, ये भी मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। और ये काफ़ी सही सिस्टम है क्योंकि पाइप से पानी डालोगे, एक जगह पाइप को फेंक दोगे तो क्या है, एक ही जगह पर ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है। बट ये जो है ना, इसे एग्जैक्ट क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, शायद स्पेयर सिस्टम ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ये काफ़ी सही है, इससे क्या होता है चारों तरफ एकदम बराबर हिस्से में पानी जाता है, तो काफ़ी अच्छे से सारी पौधों में और सारे घास में सिंचाई हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं पार्क बहुत बड़े एरिए में है, और ये पूरा एक राउंड हुआ है, काफ़ी बड़ा राउंड यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट में इसे मान रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में मैंने सिर्फ 20 स्टेप कंप्लीट किया है। मैं इस पार्क का पूरा एक राउंड लेने वाला हूँ और वापस से इसी पॉइंट पर आऊँगा, और मैं आप लोग को ये शो करूँगा कि ये पूरा राउंड करने में मुझे कितना स्टेप कम्प्लीट करना पड़ रहा है और ये टोटल कितने एरिए में फैला हुआ है, इसे हम मेज़र कर पाएंगे। तो चलिए मैं अपना वॉक स्टार्ट करता हूँ और लास्ट में मैं आप लोग को यहीं पर मिलूंगा, और उसके बाद आप लोग के साथ डिटेल शेयर करूंगा कि ये टोटल कितने बड़े एरिया में बना है और मुझे इसे कंप्लीट करने में कितने स्टेप यहां पे कंप्लीट करने पड़े हैं। उसके साथ साथ हम लोग कुछ बातें भी करते रहेंगे। तो चलिए अब मैं अपना वॉक स्टार्ट कर चुका हूं, थोड़ा सा मुझे यहां पे पानियों से बचना पड़ेगा नहीं तो ये मेरे फोन पे आ सकता है, तो मैं थोड़ा सा बच के यहां से निकलता हूं। आप देख सकते हैं ये पानी आ रहा है, ओके 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 ओके, थोड़ा सा पानी मेरे ऊपर आ गया लेकिन मैंने अपने फ़ोन को प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन मेरा ये फ़ोन थोड़ा सा भींग गया है। चलिए ध्यान से चलते हैं, अभी मैं कैमरा बंद कर देता हूँ, पहले मैं ध्यान से यहाँ से निकलता हूँ। नाइट में जब ये स्ट्रीट लाइट सारी जलेंगी तो ये देखने में और सुंदर लगेगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा सन का जो बोलना चाहिए रिफ्लेक्ट आप लोग को देखने को मिलेगा, काफ़ी सही लग रहा है, काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ों को सेट किया गया है, यहाँ पे काफ़ी क्लीन रखा गया है। आई होप ये हमेशा ऐसे ही रहे, यहाँ साफ़ सफाई टाइम टू टाइम होते रहे। यहाँ पे पेड़ भी आप देख सकते हैं, मंदिर आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। यहाँ पे से आप लोग को उतरने के लिए सीढ़ी भी दी गई है कॉर्नर में, आप देख सकते हैं यहाँ से आप नीचे तालाब की तरफ जा सकते हैं। अभी तो गर्मी का दिन है तो ये सूख गया है, बारिश के दिन में यहाँ पे अच्छी खासी पानी आ जाएगी तो ये देखने में और काफ़ी सही लगेगा। यहाँ पे एक और छोटा सा दरवाज़ा दिया है शॉर्टकट से आने जाने के लिए, और ये पीछे का हिस्सा ये देखिए, आप हेलीपैड भी देख सकते हैं, मैं आप लोग को जूम करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग 1x पे, 2x, 4x, तो ये आप देख सकते हैं वाइट कलर का जो ग्रिल यहाँ पे लगा हुआ है उसके जस्ट पीछे हेलीपैड है। तो जब भी अगर पाटन में यहाँ कभी भी हेलीकॉप्टर आते हैं लैंड करने के लिए तो यहीं पे लैंड करते हैं।
मुझे यहाँ पे एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी, इस पूरे पार्क को बनाते टाइम यहाँ पे जितने भी पेड़ थे उनको हार्म नहीं किया गया, इनफैक्ट उनको अच्छे से प्रोटेक्ट किया गया है और उनके लिए अच्छे से यहाँ पे सारे सेटअप क्रिएट किए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसे बिल्कुल भी डैमेज नहीं किया गया है और जो भी पत्थर यहाँ पे लगाने थे, जो भी ब्रिक्स यहाँ पे लगाने थे, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से कट करके लगाए गए हैं और पेड़ को यहाँ पे काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट किया गया है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं आजकल पेड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं किसी न किसी रीज़न से। कभी रोड बन रहे हैं तो वहाँ पे पेड़ कट रहे हैं, कभी कुछ काम हो रहा है तो वहाँ पे पेड़ कट रहे हैं। तो पेड़ काटना ठीक है, चलो मैं समझ रहा हूँ कि हाँ भाई हमको आगे बढ़ना है, रोड अच्छे बनाने हैं, चौड़े बनाने हैं, तो कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि कुछ पुराने पेड़ों को काटना पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे फिर ऐसा हो जाता है ना कि हमको आगे बढ़ना है, कुछ विकास का कार्य करना है। मैं मान रहा हूँ उस चीज़ को, लेकिन अगर आप एक पेड़ काट रहे हो तो कोशिश करो कि उसके बदले कम से कम, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम आप दो पेड़ लगाओ, तो उससे क्या होगा, सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। ओके, मेरा कॉल आ रहा है, मैं पहले कॉल अटेंड कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों से कंटिन्यू बात करूँगा। ये पार्क काफ़ी बड़ा है तो यहाँ पे घूमते घूमते सुसु भी लग सकती है, तो उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है कि अगर आपको वॉशरूम की नीड है तो यहाँ पे बहुत बड़ा वॉशरूम बनाया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हालांकि ये अभी लॉक है, हो सकता है किसी रीज़न से अभी अंदर काम चल रहा होगा इसलिए अभी इसे लॉक करके रखें, बट ये बहुत जल्दी चालू हो जाएगा ऐसी उम्मीद है, क्योंकि ये लगभग कम्प्लीट आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि अगर आप इस पार्क में घूमने आ रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पे हैं और आपको अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम लगती है कि आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो यहाँ पे उसका भी ध्यान रखा गया है, तो इस चीज़ के लिए थम्स अप है। क्योंकि मोस्टली बड़े बड़े पार्क में कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ वॉशरूम की सुविधा नहीं होती, फिर भटकना पड़ जाता है, तो ये चीज़ देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वैसे हम लोग बात कर रहे थे पेड़ पौधों की, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि बड़े बड़े पेड़ों को काटा जा रहा है, हाँ रीज़न मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट अगर कोई भी फैसला लेगी तो एकदम से कोई गलत फैसला तो लेगी नहीं। तो अभी क्या है, हमारे एरिया में बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, 4 लेन बन रहे हैं, 2 लेन बन रहे हैं, तो बहुत बड़े बड़े पेड़ ऐसे हैं जो काफ़ी पुराने हैं, उनको काटा जा रहा है। लेकिन मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, चाहे वो गवर्नमेंट के थ्रू हो, मतलब अगर गवर्नमेंट की तरफ से काटा जा रहा है तो मैं गवर्नमेंट को बोलना चाहूँगा, अगर कोई आम आदमी काट रहा है तो मैं उसको यही बोलना चाहूँगा कि अगर किसी भी रीज़न से, कोई जेन्युइन रीज़न से अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए मिनिमम आप कम से कम दो पेड़ लगाइए, क्योंकि विकास जितना ज़रूरी है उतना ही हमारे अर्थ को कूल रखना भी ज़रूरी है, पृथ्वी को कूल रखना भी ज़रूरी है, और वो सिर्फ पेड़ पौधे ही कर सकते हैं, ऑक्सीजन लेवल वही बढ़ा सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मैं भी कोशिश करूँगा पूरी की पूरी कि अगर लाइफ में मेरे से हो तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाऊँ। अगर आप एक पेड़ भी या एक पौधा भी हटाते हैं या काटते हैं तो उसके जगह दो नए पौधे लगाइए, ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट सिस्टम है वो बैलेंस रहे। बस इतना ही बोलना था, बाकी मैं अपना वॉक कंप्लीट करता हूँ। पार्क के बीच बीच में यहाँ बच्चों के खेलने के लिए भी पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पे बीच बीच में आप लोग को ऐसे झूले देखने को मिल जाएंगे, मैं आप लोग को जूम करके दिखाता हूँ, क्योंकि अगर मैं वहाँ जाके वीडियो बनाऊँ तो हो सकता है वो अनकंफर्टेबल फील करें, लेकिन आप देख सकते हैं कुछ ऐसे झूले आप लोग को बीच बीच में देखने को मिल जाएंगे, तो बच्चे यहाँ बोर नहीं होंगे और पेरेंट्स अच्छे से वॉक कर सकते हैं, तो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैं बहुत अच्छे मूड से यहाँ पर वॉक कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। बस एक चीज़ है जो देख के मेरा थोड़ा सा यहाँ पर मूड ऑफ हो चुका है, वो क्या है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो है ये, मैं पास आके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये एक शराब की बोतल है, और ऐसा क्यों करते हैं लोग मुझे ये समझ में नहीं आता। अब हर चीज़ में आप गवर्नमेंट को तो, मतलब हर चीज़ होता है ना, फिर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती, गवर्नमेंट वैसा नहीं करती, गवर्नमेंट गलत काम करती है, गवर्नमेंट भी अच्छा काम करती है यार, गवर्नमेंट ही अच्छा काम करती है जब अच्छा काम करने पे आती है तो। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं एक आम नागरिक हूँ, आम आदमी हूँ, उसी हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर वो कुछ गलत करेगी गवर्नमेंट तो मैं भी गलत बोलूँगा, लेकिन ये तो बहुत अच्छा किया है ना, अभी जिन्होंने भी किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा पार्क बनाया है, इतना अच्छा काम किया है, अब उसमें ऐसे बॉटल्स फेंक के जाओगे तो फिर वो तो हमारी गलती है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़। खैर, ये तो वाइन की बोतल थी, पानी का भी बोतल कभी फेंक के मत जाएं। आप अगर पार्क में घूमने आओगे तो आपको वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा बोलना चाहिए कि डस्टबिन देखने को मिल जाएगा, तो अगर आपको कुछ भी डालना है तो कृपया करके आप डस्टबिन में डालिए, ताकि हमारे आसपास गंदगी ना हो। बस इतना ही आप लोग को एक मैसेज देना था। इससे पहले आप ये कमेंट करें या फिर ये बोलें कि यार तूने ज्ञान तो दे दिया बट बोतल तो वहीं की वहीं पड़ी हुई है, तो मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूँगा। वो बॉटल मैंने वहाँ पे से हटा दी है, मैंने उसे ठिकाना लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं इस पार्क में, अगर वो कुछ ऐसा देखेंगे तो हो सकता है उनके मन में कुछ गलत ख्याल आए, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने उसे हटा दिया है। तो कमेंट करके ये मत बोलना कि तूने हटाया नहीं, बस ज्ञान देके चला गया। और आप ये रोड की तरफ देख सकते हैं, मैं आप लोग को एक बार दिखा दूँ, यहाँ पर
ये लाइट्स में जो आप देख रहे हैं, अगर आपको दिख रहा होगा, वैसे फ्लिकर कर रहा है क्योंकि कैमरा हल्का सा फ्लिकर करता है लाइट की तरफ, लेकिन स्ट्रीट लाइट आप देखिए एक बार, यहाँ पे आप लोग को तिरंगा देखने को मिलेगा और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। मैं आप लोग को जूम करके दिखाता हूँ, ये रियल लाइफ में फ्लिकर नहीं कर रहा है, ये कैमरे में फ्लिकर कर रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन, ये बहुत सुंदर लग रहा है। और ये पूरे रोड में है, जहाँ तक कि आप लोग को स्ट्रीट लाइट दिखेगी वहाँ तक इसे सेट किया गया है। बहुत प्यारा लग रहा है इसे देखकर। हम एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे आ गए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैं आप लोग के साथ डिटेल शेयर करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 2295 स्टेप मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो 1.72 किलोमीटर, और कैलोरी की अगर मैं बात करूँ तो 69 कैलोरी मैंने बर्न की है। तो आप देख सकते हैं इसका अगर आप एक राउंड कंप्लीट करेंगे तो लगभग आप लोग को 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा चलना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे आया है 1.72 किलोमीटर। काफ़ी बड़े एरिया पे इसे बनाया गया है और ये देखने में काफ़ी सुंदर है। अब तो लाइट भी यहाँ पे जल चुके हैं, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अंधेरे में और अच्छा लगेगा। और स्ट्रीट लाइट जैसा मैंने आप लोगों को दिखाया था, यहाँ पे आप लोगों को तिरंगा का लाइट देखने को मिल जाएगा, मतलब ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन, और ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, आई होप आप लोग को ये जगह पसंद आई होगी। अगर आप पाटन से हैं या पाटन के आसपास से हैं तो आप यहाँ पे आके एक बार घूम सकते हैं, आप लोग को डेफिनेटली ये जगह पसंद आने वाली है। और अगर आप कहीं दूर से हैं, इस एरिया से नहीं हैं, तो आप इस वीडियो को देखकर जज कर पाएंगे कि ये एरिया कितना सुंदर है। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ, मैं आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।